अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना नास और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले ये सूचना आपको देना ज़रूरी है कि आज का वीडियो इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो ये वीडियो देखें, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हम किसी अहम इशू पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी वो दिलचस्प है और जब आखिर तक आप पहुंचेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा कि हमने आपका वक्त जाया किया है। आज हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार की। ये वही रवीश कुमार हैं जो लोगों को बार बार कहते थे कि टीवी ना देखें, लेकिन आज वही रवीश कुमार टीवी जर्नलिज्म की बुनियाद पर सहाफत का बहुत बड़ा रैमन मैग्सेस अवार्ड हासिल किया है। रैमन मैग्सेस कोई मामूली अवार्ड नहीं है, इसे एशिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और 12 साल बाद किसी जर्नलिस्ट को ये अवार्ड मिला है। तो आइए जानते हैं कि क्या अहमियत है इस अवार्ड की, कौन है रवीश कुमार और जर्नलिज्म में उनकी क्या भूमिका रही है। पत्रकारिता के जरिए जनता की आवाज उठाने वाले चर्चित पत्रकार रवीश कुमार को साल 2019 का प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। रवीश कुमार को ये सम्मान उनकी सहायक और बेबाक पत्रकारिता के लिए दिए जाने की घोषणा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ, नमस्कार। अवार्ड फाउंडेशन की वेबसाइट पर विजेताओं की जारी सूची में कहा गया है कि भारत के पत्रकार रवीश कुमार को कमजोरों की आवाज बनने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। रवीश कुमार अपने पत्रकारिता के माध्यम से लगातार जन मुद्दों को उठाते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के जोश से पता चलता है, पिछले विधानसभा के चुनाव में, पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन ये बात सच है, इसी कारण वे लगातार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी के मैगजीन एडिटर हैं और सत्ताधारी दल बीजेपी ने उनका बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि वे लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल करते हुए शिक्षा, बेरोजगारी, किसान, मजदूर और धार्मिक ध्रुवीकरण आदि मुद्दों को उठाते रहे हैं। नितिन, हाँ, ये दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं, मैं मोतिहारी जिले का हूँ, दोनों प्रवासी हैं। मैं एनडीटीवी में मोटी कमाई वाला पत्रकार हूँ, ये 6,000 रुपया कमाते हैं, मगर जब ये खाना, जब ये गाना और जब इनकी बोली का हाल बहो सुनते हैं तो एक रिश्ता अपने आप बन जाता है। हम प्रवासी वो लोग हैं जो उजड़े हुए हैं और हर शहर में अपने को ढूंढते रहते हैं। आज रवीश कुमार भारत में सहायक पत्रकारिता के प्रतीक बन चुके हैं। वे लगातार सत्ता और सत्ता पक्ष के समर्थक ताकतों के निशाने पर रहे हैं और ट्रोल होते रहे हैं। हर तरह का यहाँ पर काम किया और सिर्फ हम ही नहीं, हिंदुस्तान जैसे देश में लाखों लोग इसी तरह से अपनी शुरुआत नीचे से करते हैं और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और मेरी यात्रा में भी ये कोई ख़ास बात नहीं है कि मैंने यहाँ शुरुआत नीचे से की और हर तरह का काम किया। चिट्ठियाँ आती थी फैंस मेल्स लोगों के, गुड मॉर्निंग इंडिया में जो एंकर होते थे उनको मैं देखा करता था। उसी में मैं सीख गया कि दर्शक को क्या चाहिए टेलीविज़न में और वो कैसे बातें करता है कार्यक्रम के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों से फिर मैं डेस्क पर आया, फिर अनुवाद करने लगा, फिर रिपोर्टिंग करने लगा और फिर क्या क्या करने लगा मुझे ही कुछ पता नहीं चला कि मैं कब कहाँ और किस तरह से कोई कहानी कह। अपनी बेबाक पत्रकारिता की वजह से रवीश कुमार को लगातार धमकियां भी मिलती रही हैं। फिर कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। हाँ, जरूर लोग कहते थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हमारे करोड़पति नेता 40 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं? सवाल आपके सामने था कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करे, मजहबी नेता या सियासी नेता। रवीश कुमार पहले भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन आज 12 साल के बाद रवीश कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ, राजदीप, बरखा, अर्नव,
वासु, विक्रम, मनोरंजन भारती, मनीष कुमार, मोनिदीपा, टीएस सुधीर, विजय त्रिवेदी, अनिंद्य चक्रवर्ती, ये हमारे दफ्तर के पहले शख्स थे जिनका नाम लॉगिन नेम से पड़ा अनिन। और विजय जी की डायरी देखकर तो इतना डर लगता था कि इसमें कितने नंबर हैं, पता नहीं मेरी डायरी में कब इतने नंबर आएंगे और मेरे पास इतनी खबरें आएंगी। मेरे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।